सिंगरौली जिले की डिप्टी कलेक्टर संपदा सर्राफ गुर्जर टीवी शो कौन बनेगा करोड़पति में 3,20,000 रुपए ही जीत सकी। इससे पहले वह 12,50,000 रुपए जीत चुकी थी, लेकिन 25 लाख रुपए के लिए आए सवाल का उन्होंने गलत उत्तर दिया, जिससे वो पहले पड़ाव की राशि यानी सिर्फ 3,20,000 रुपए ही जीत सकी। 25 लाख रुपए के लिए उनसे ये सवाल किया गया था, तेलंगाना का रामपा मंदिर जो एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, इनमें से किससे अपना नाम प्राप्त करता है। इसके ये ऑप्शन थे, एक राजा, एक पंडित, एक सेनापति, एक मूर्तिकार। संपदा ने इस सवाल का जवाब एक पंडित चुना, जो गलत उत्तर था। इससे पहले शो के दौरान चर्चा में अमिताभ बच्चन को पता लगा कि संपदा डिप्टी कलेक्टर हैं, तो उन्होंने कहा, अरे आप तो सरकार हैं, जिसको चाहे अंदर कर सकती हैं। संपदा ने ठहाके लगाते हुए कहा, नहीं सर, सरकार तो आप हैं। सवालों के उत्तर सुनकर अमिताभ बच्चन ने उनसे कहा कि कहां से इतना ज्ञान प्राप्त किया, जाते जाते हमें भी ज्ञान दे जाना। अमिताभ बच्चन ने संपदा सर्राफ की अभिनेता सोनू सूद से बात कराई। इस दौरान सोनू सूद ने बताया कि किस तरह कोविड पीड़ितों की मदद में संपदा ने भी अहम भूमिका निभाई। डिप्टी कलेक्टर संपदा सर्राफ गुर्जर का चयन केबीसी के लिए हुआ था। करीब एक पखवाड़ा पहले कार्यक्रम की शूटिंग कर ली गई है। संपदा ने बताया कि चयन के बाद भोपाल में ऑडिशन हुआ। उन्हें कार्यक्रम में शामिल होने के लिए मुंबई बुलाया गया, वहां कार्यक्रम की शूटिंग हुई। डिप्टी डीएम के इस कार्यक्रम को लेकर जिले के अफसरों से लेकर कर्मचारियों में उत्सुकता देखी गई है। संपदा ने बताया कि कार्यक्रम के दौरान उन्हें अमिताभ बच्चन के कई डायलॉग बहुत अच्छे लगे, कई बातें हुई जो सदैव याद रहेंगी। उन्होंने बताया कि वे शो में जीती गई राशि को गरीब बुजुर्गों की सेवा में अर्पित करेंगी। वह खुद कार्यक्रम देखने के लिए उत्साहित हैं। टीवी पर शो का एड देखकर बधाई देने के लिए रोज लोगों के फोन आ रहे हैं। संपदा ने जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन ब्रांच में 2012-16 में बीटेक किया है। एमपीपीएससी के पहले प्रयास में 2016 में उनका चयन डीएसपी के लिए हुआ था। इसके बाद 2017 में उन्होंने एमपीपीएससी की दोबारा परीक्षा दी। इस बार उनका चयन डिप्टी कलेक्टर के लिए हुआ। संपदा मूलतः एमपी के जबलपुर की निवासी हैं। उनके परिवार में कई अफसर हैं। एमपीपीएससी में चयन होने के बाद संपदा की पहली पोस्टिंग सिंगरौली जिले में हुई है। उनके पति शशांक सिंह गुर्जर प्रदेश के सीहोर जिले के बुदनी में एसडीओपी हैं। संपदा के पिता आदर्श सर्राफ उप संचालक अभियोजन के पद में सेवानिवृत्त हुए हैं। माता नंदिनी सर्राफ लॉ ऑफिसर हैं। एक डेप्यूटी कलेक्टर एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट हूँ मध्य प्रदेश में। स्टॉप। तो बहुत बड़ा ओहदा होता है, आपको वहाँ से यहाँ लाने में हाथ जोड़ के लाना चाहिए था। आप तो सरकार है, अब जितने भी हम प्रश्न पूछेंगे डर डर के पूछेंगे। पतिदेव जी क्या कर रहे हैं आजकल आप? सर मैं मध्य प्रदेश पुलिस में डीएसपी के पोस्ट पे हूँ सर। सर ये पूरा परिवार जो है ये बहुत ही खतरनाक है।